नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हजरत शाह सकलैन मियां हुजूर के योमे विलादत के मौके पर 101 लोगों ने किया रक्तदान। अस्पतालों में बांटे फल दवाएं, गरीबों और जरूरतमंदों को दिया राशन। सकलैनी जमा मस्जिद में हुई मुल्क के अमनो अमान के लिए खुसूसी दुआ। भोपाल अशोक गार्डन 80 फीट रोड सकलैनी चौराहा स्थित मरकचे अहले सुन्नत सुन्नी सकलैनी जामा मस्जिद व मरकज मरकचे अहले सुन्नत सुन्नी सकलैनी जामा मस्जिद के हजरत मुबीन मियां सकलैनी साहब ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सूफी पीर हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ के यौमे विलादत जन्मदिन के मौके पर दारू सकलैन फाउंडेशन भोपाल की जानिब से रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग ने माहे गोसूस सकलैन व जश्ने यौमे विलादत की खुशी में रक्तदान किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। वहीं अस्पतालों में दवा फल, गरीबों को राशन, कपड़े भी बांटे। हजरत शाह सकलैन अकेडमी भोपाल यूनिट की जानिब से मस्जिद में हजारों लोगों को फल बांटी। सकलैनी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद फताहा खानी हुई, जिसमें मुल्क की खुशहाली और अमन चैन सलामती के लिए खुशी दुआ हजराता मुबीन मियां सकलैनी ने की। मुबीन मियां सकलैनी ने बताया कि अल्लाह पाक को राजी करने का सबसे बेहतर अमल अल्लाह पाक की मखलूक की खिदमत है। इस कैंप का पैगाम था अल्लाह की मखलूक की हर जरूरत का राखे ख्याल। आओ हम सब मिलकर करें रक्तदान, ये भी है खिदमत खलक का काम। इस मौके पर विशेष रूप से सकलैनी मस्जिद कमेटी के सचिव हाजी यूसुफ सकलैनी साहब, मदीना तुल उलूम कमेटी के नायब सदर बेग साहब, मस्जिद कमेटी खजांची हाजी दिलावर हुसैन साहब, हाजी हारून साहब मस्जिद के इमाम मौलाना राउफ साहब, मस्जिद के खदीब मौलाना सलमान साहब, मुहिबने ओलिया कमेटी के हाफिज साहिद सकलैनी साहब के साथ बेशुमार लोग मौजूद रहे। कितने लोग आज रक्तदान? मुदीन उद्दीन सकलैनी मेरा नाम है, मैं दाऊद सकलैन फाउंडेशन भोपाल का सदस्य हूँ। और आज मरकज़े सकलैन जामा मस्जिद में हज़रत पीर मस्जिद शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह यौमे विलादत जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अभी सुबह 11 बजे से यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम शुरू है। और अभी कई तीनों लोग आ रहे हैं, अभी कितने लोग होंगे अभी इसके बारे में नहीं बता सकते। तकरीबन अभी 12-15 लोग अपना रक्त दान कर चुके हैं और अभी भी लाइन लगी है। और आज यहाँ की योग में डाले थे, जुम्मे के बाद कैंप और भी लगे, जो मेडिकल कैंप है उसमें दवाएँ डॉक्टरों का चेकअप और कई तरीके की जाँच भी कराई जाती है। और अस्पतालों में भी राशन और जो जरूरत की सामान है उसने शहरवासियों का संदेश देना चाहेंगे। शहरवासियों को संदेश ये है कि अल्लाह की मखलूक की हक जरूरत पर रखे ख्याल। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में सबसे महबूब अमल और अल्लाह को राजी करने वाला वो है मखलूक की खिदमत। खिदमत हर तरीके से, कहीं भूखों को खाना खिलाना है, कहीं बीमारों की दवाओं का इंतजाम करवाना है, कहीं पड़ोसी के उसको देखना है, कहीं लंगर के इंतजाम करवाना है, कहीं बच्चियों की शादियों के इंतजाम करवाना है। हर वो चीज़ जो मखलूक आए मुसलमान नहीं है, हर वो शेय जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उन तमाम की ज़रूरत को पूरा करना यही खिदमत खल्क है, यही हजरत सकलैन मियां का पैगाम है। खिदमत खल्क को आम करो, आओ हम सब मिलकर खिदमत खल्क करें। दारुल सकलैन फाउंडेशन। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।